इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला, फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, सही समय का इंतजार करेगा इंडिया अलायंस। बैठक में खड़गे ने इंडिया गठबंधन को जनबंधन का नाम दिया, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। खड़गे को इंडिया जनबंधन का चेयरपर्सन बनाने पर भी बातचीत हुई इस मीटिंग में। कल दरअसल इंडिया अलायंस की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई, साथ ही साथ एनडीए की भी महत्वपूर्ण बैठक कल हुई। और बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसमें फैसला ये लिया गया है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में इंडिया अलायंस रहेगा, अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा इंडिया ब्लॉक की ओर से। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस खबर पर। मेरे साथ आनंद सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से, इंडिया न्यूज संवाददाता। क्या तय हुआ इंडिया ब्लॉक की बैठक में? कल इंडिया ब्लॉक के जितने भी तमाम साथी हैं उनकी बैठक हुई आनंद दिल्ली में, बैठक का लबोलुभाव क्या रहा? वेट एंड वॉच की स्थिति में बताया जा रहा है इंडिया अलायंस रहेगा, और क्या बातचीत हुई? जी अंजलि, जैसा कि कल यहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवाज पे ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चली थी, शाम को करीब 2 घंटे चली। 6 बजे से ही सारे बड़े नेता जो है इंडिया ब्लॉक के वो आने शुरू हो गए थे, चाहे वो शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, डी राजा हो, एमके स्टालिन हो, ये सारे तमाम बड़े नेता इंडिया ब्लॉक के वहाँ मौजूद थे, जहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहले से ही मौजूद थे। और जब ये मीटिंग चली तो उसमें सबसे पहले जो डिस्कशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ वो ये हुआ कि जो इंडिया ब्लॉक की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आई है वो कुल 234 आई है, और वहीं अगर दूसरे हाथ पे बात करें एनडीए की तो वहाँ पे 293 सीटों का बहुमत है। तो बेशक नरेंद्र मोदी की जो भाजपा पार्टी है उसको 272 का जो मैजिकल आंकड़ा था लोकसभा में सरकार बनाने के लिए वो नहीं मिला, मगर वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई क्योंकि उसने 241-240 सीटों पे जीत हासिल की है। और वहीं उनके अलायंस के पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उनके मिला देते हैं तो वो 293 है। तो ऐसी स्थिति में जब एनडीए की भी कल मीटिंग हुई थी और वहां पे एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों नेता वहां मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई और मीटिंग में भी मौजूद रहे, और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया इंडिया ब्लॉक में कि हमें अभी सरकार नहीं बनानी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी नंबर्स नहीं है, और जब नंबर नहीं होगा तो ऐसे में ये एक बड़ी ही एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इंडिया ब्लॉक के लिए कि हम सरकार बनाने की कवायद पेश कर रहे हैं, और एक तरफ जहां हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दाव खेलना चाह रहे थे तो वो भी दाव नहीं चल पाए। तो ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति पे चर्चा हुई कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए, हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए कि जब मौका आएगा तो फिर हम इस चीज को आगे देखेंगे। और वहीं इन लोगों ने, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने ये भी कहा कि जितने तमाम मुद्दे हम लोगों ने पूरे चुनाव में अपने कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने उठाए हैं, चाहे वो लोगों के मुद्दे हो, महंगाई का हो, करप्शन का हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का हो, तो ये सारे मुद्दे पे वो सरकार को। चलिए ठीक है आनंद, आप बने रहिए, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, और इस बैठक के बाद कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई।